क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ डैडी तो बकरा लेने गए हैं, लेकिन ताए अबू कहाँ गए हैं? हाँ, ये तो सोचने की बात है, लेकिन छोरो मोहम्मद भाई, हमें उससे क्या, वो जहाँ गए हैं? नहीं हरीम, हमें सोचना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं। अच्छा तो सोचो फिर। हाँ मुझे लगता है कि क्या के? दाल में कुछ काला है। हमने एक काम करते हैं। क्या? कि फिजा आप और अयान भैया को जलाते हैं। ओह नो। हाँ ये तारतिया हम इनको तेल करते हैं। ओ भाई तेलिस नहीं जेलिस करते हैं। हाँ हाँ वही वही। ओ भाई इधर उधर क्यों फेर रहे हो? कोई टेंशन है तो बताओ। टेंशन नहीं, धमाका, बहुत बड़ा धमाका। धमाका? hey! कैसा धमाका? चाचा बकरा लेने गए हैं। क्या? उस सही बताओ, बकरा लेने गए? और टेंशन की बात ये है, जब चाचा बकरा लेके आएंगे तो मोहम्मद अहमद और हरीम की शौकियाँ नहीं बंद होनी। ओह नो। हाँ वैसे यार ये बात तो आपने सही की, अगर चाचा हमसे पहले बकरा ले आए तो उन तीनों ने तो हमें पका पका के पक्का आम बना देना है। आम को छोड़ो, सोचो बाबा कहाँ गए हैं। हाँ चलो ठीक है, तुम तो सोचो ना, मैं भी सोचती हूँ। आइडिया आ गया। अयान क्यों ना हम उनसे पहली शोखियां मारते हैं कि हमारे बाबा बकरा नहीं गाय लेने गए हैं। वाओ। अरे वाह ये हुआ ना आइडिया। चलो फिजा उनके आने से पहले हम लोग उनके कमरे में चलते हैं। चलो। उन हैं? ये लोग तो अपने कमरे में नहीं है, जरूर ये लोग बाहर होंगे। चल फिजा बाहर ही पकड़ते हैं। हाँ चलो तुम देखो कितना अच्छा। ओ हेलो कहाँ जा रहे हो? हम और हम भी आपके पास आ रहे थे। अच्छा हमने कहना था कि रुको 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 पहले हमारी बात सुन लो। oh, हमारे बाबा यानी आपके ताया अब्बू गाय लेने गए हैं। गाया? ये कब हुआ? ये बस अभी अभी। ओह अभी अभी नहीं, सुबह सुबह। हाँ सुबह सुबह गए थे हमारे बाबा। मोहम्मद भाई हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। अच्छा तो आपके बाबा गाय लेने गए हैं? जी हम ये कहने आए थे हमारे बाबा बकरा और गाय लेने गए हैं। हाँ हरीम। क्या अयान ये बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं? तो फिर आप ही छोड़ो ना। अच्छा वो एक सेकेंड, मैं तो भूल गई यार। क्या तुम भी भूल गए? गाय थोड़ी ना लेने गए थे बाबा, बाबा तो कैमल लेने गए थे। जी क्या? अच्छा तो हमारे बाबा एक बकरा और एक गाय और एक कैमल लेने गए हैं। क्या चाचा एक बकरा एक गाय और एक कैमल लेने गए? चाचा इतने अमीर कब से हो गए? मैं क्या छोड़? अच्छा जी तो फिर सुनो, हम लोगों ने सरप्राइज रखा था, हम लोग आपको बताना नहीं चाह रहे थे, आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप लोगों ने इतनी लंबी लंबी छोड़ दी है तो हम आपको अपना सरप्राइज भी बता देते हैं। हमारे बाबा एक बकरा एक गाय एक कैमल और चार शीप लेने गए हैं। बराबर नहीं, मैं अभी इनको सीधा करती हूँ। हमारे बाबा एक बकरा लेने गए, एक गाय लेने गए, एक कैमल लेने गए और एक हाथी लेने गए। हाथी? अच्छा जी। हाँ जी। अयान अभी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। फिजा बस अब मैं बोलूंगा। सुनती जाओ बस। हमारे बाबा एक बकरा एक गाय एक कैमल दो हाथी तीन गाय तीन बैले चार जिराफ दो ज़ेबरा और एक 10 मंकी। हाँ बस ये सारा कुछ हमारे बाबा लेने गए। सीधा सीधा गाना कहता है, चिड़ियाघर तो घर लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने जो समझना है ना समझ लो, हम लोग तो यही कुर्बानी करेंगे और देखना इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अच्छी कुर्बानी हमारी होगी। हाँ, अब
बाबा आप अबू आप तो चिड़ियाघर लेने गए थे। चिड़ियाघर? अरे बेवकूफ बच्चो क्या बातें कर रहे हो, मैं तो गाय लेने के लिए किया था कुर्बानी के लिए। गाय लेने? जी मैं और आपके पापा हम दोनों तो मिलके गाय लेने के लिए गए हुए थे। लेकिन बाबा आपने तो बकरा लेके आना था, अब इन लोगों का बकरा आ जाएगा और ये लोग शोकियां मारेंगे। शोकियां? इज्जा शोकियां किस बात की बेटा, कुर्बानी शोकियों के लिए नहीं की जाती। कुर्बानी शोकियों के लिए नहीं की जाती बेटे, कुर्बानी तो अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, और जिसकी जितनी हैसियत होती है उसी हिसाब से वो कुर्बानी करता है। कोई बकरा करता है, कोई दुबा करता है, कोई गाय करता है, कोई ऊंट करता है। और आपके बाबा और मैंने मिलके सोचा कि चलो हम लोग मिलके कोई कुर्बानी ले लेते हैं, चलो जो कुर्बानी का फर्ज है वो भी पूरा हो जाएगा और किसी एक के ऊपर इतना बर्डन भी नहीं आएगा। बच्चों ये एक फरीजा है कुर्बानी, सबने इसको अदा करना होता है, लेकिन ये जो हैसियत रखते हैं उन लोगों के ऊपर फर्ज है। जो नहीं हैसियत रखते इस चीज की कुर्बानी करने की, अल्लाह ने उनको छूट दी है। चलो आप लोग भी अब जाओ और इस चीजों को छोड़ो कि कौन अच्छी करेगा कौन बुरी करेगा, ठीक है? तो जाओ और कुर्बानी को इस ईद को एंजॉय करो जाके, ठीक है? और कुर्बानी छोटी हो या बड़ी हो, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी इस कुर्बानी को, इस फरीजे को कबूल फरमाए, ठीक है? चलो फिर मोहम्मद कुर्बानी देखने चले। चलो शाबाश। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारा आज का मैसेज भी। कुर्बानी करने में मतलब शोखियाँ नहीं माननी चाहिए कि हमारे पास बैल है, हमारे पास बकरा है, ये वो, और सामने वाले के पास कुछ और है। इस तरह करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक फरीजा है जो अल्लाह की रजा के लिए है और हमें इसको पूरा करना है अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकि हमारे ऊपर बर्डन भी ना आए और दूसरों को दिखावा भी हमने नहीं करना। और जो भी कुर्बानी करेगा वो जो गोश्त होगा उनके हकदारों तक जरूर पहुँचेगा, यानी कि उसके हिस्से हैं उसके मुताबिक, उसकी रिश्तेदारों में गरीबों में अपना जो जो हिस्से हैं उसके मुताबिक उसको आप लोगों ने तकसीम करना है, ना कि सारा उठा के अपने फ्रिज में रख लें। तो फ्रेंड्स ये आप मौसम भी देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया और हमें भी बहुत मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय। मोहम्मद भाई क्या बात करते हो? 1, 2, 3 हाँ ये अच्छा आइडिया है, हम उनको जंच करते हैं। मसला ये है कि चाचा बकरा लेने गए हैं और ये। हाँ यान वैसे ये तो सही कह रहे, जब चाचा बकरा ले आएंगे तो उन तीनों ने तो हमें हमारे हम तो ये कहने आए थे कि हमारे हम ये कहने आए थे कि हमारे बाबा बकरा और गाय लेने आए। कैमल था ना? क्या हाँ बड़ी लंबी लंबी छोड़ है। क्या चाचा एक बकरा एक गाय और एक कैमल लेने गए? चाचा इतनी दिनों से गाय अमीर हो गए। गाय अमीर हो गए? क्या चाचा एक गाय एक बकरा? नहीं गलत है, सही है, बकरा गाय है ना। कोई बात। तो सुनो हमारे बाबा एक ऊंट दो बकरे तीन गाय और चार हमारे बाबा एक बकरा लेने गए, एक हाथी अपना बना रहे उधर तो बोल से रहेंगे। आयान अभी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। फिजा बस अब मैं बोलूंगा। अब देख रहा इसने सीन कट कर रहा है। ओके यार हाँ हमारे बाबा भाई यही सोच के रहेंगे। हाँ जो समझ ले समझ लो, हमारी कमर पानी कमर पानी जो सम जो समझना समझ लो हमारी। ओ भाई जो समझना ना जो नहीं शुरू में गाय।